क्वेश्चन नंबर वन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ ईच सेट ऑफ नंबर्स गिवन बिलो। ओके, तो आप लोग ये चीज ध्यान में रखेंगे कि आप सबसे पहले मेथड चेक करेंगे कि किस मेथड में कहा गया है आपको करने के लिए। ठीक है, मेथड को आप क्या करेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि हमने अलग अलग मेथड पढ़े हैं इसके अंदर। तो जो क्वेश्चन में आपको मेथड दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व करो। LCM of each set of numbers given below using the prime factorization method. Prime factorization method में हमने क्या पढ़ा था कि हर एक नंबर का अलग अलग डिवीजन मेथड से हम डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज ए, नंबर इज 4, 6 एंड 8। ओके, नंबर क्या दिया हुआ है 4, 6 एंड 8। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिवाइड बाय 4 इन डिवीजन नंबर। 4 is even number, so it will divide by 2. 2 to the 4 and 2 ones are 2. That's clear. Next is second number 6. 2, 3 is 6. 3, 1 is 3. Okay. Next is 8. 2, 4 is 8. 2, 2 is 4. And 2, 1 is 2. Okay. So, 3 numbers given here and different types of division method. Okay. We will divide by different numbers. Okay, so हमने अलग अलग numbers में अलग अलग divide किया। Okay, so we will write here 4 factors 2 into 2. Okay, then 6 factors 2 into 3. Next is 8 factors 2 into 2 into 2. Okay, so LCM में हम क्या करते हैं? First of all, we will write the common factors. Okay. इन तीनों में 3-2 कॉमन आ रहा है तो वी विल राइट हियर 2। ओके, नेक्स्ट इज, मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी, जरूरी नहीं है तीनों में ही कॉमन आए, यदि दो में भी कॉमन आ जाता है, जैसे इन दो नंबर्स में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 राइट हियर, देन रिमेनिंग फैक्टर्स 2 इनटू 3। ओके, सो वी विल मल्टीप्लाई 2 टू द 4, 4 टू द 8 एंड 8 टू द 24। तो एलसीएम क्या आ गया आपके पास? एलसीएम इज 24। ओके, तो आप लोगों को यही चीजें ध्यान में रखनी है, एचसीएफ और एलसीएम के बीच का डिफरेंस को ध्यान में रखना है। एचसीएफ में हम कंप्लीटली केवल ओनली कॉमन फैक्टर्स ही लिखते हैं, बट यहाँ पर हम कॉमन के अलावा जो दो में कॉमन आ रहा है या किसी में भी कॉमन आता है तो हम उन सबको भी लिखते हैं। इज दैट क्लियर एवरीवन? So now we will, let's solve next question. Okay? Let's see next question. Question number 3. Okay, 144 and 200. Okay? So, alag alag numbers diye hue hain. Number 4 division methods ke through aap log nikalenge. 103, 144 and 200. Okay, so 144 is an even number, so we will divide by 2. 2 7 the 14, 2 to the 4. Again even number, we will divide by 2. 2 3 the 6, carry of forward 1, 12. 2 6 the 12. Again even number, 2 1 the 2, 2 8 the 16. Again even number, 2 9 the 18. 9 is a odd number, so we will divide by 3. 3 3 is a 9. And 3 1 is a 3. Okay. Next is 200. 200 is an even number, so divide by 2. 2 1 is 2 and 0 will be the same here. Next 2. 2 5 is a 10. 0. Again even number. 2 2 is a 4. 1 2 5 is a 10. 25 may up 5 ka divide here. 5 5 is a 25 and 5 is a 5. Now, first of all, you will write the 144 factors 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3. Okay, number of 2's kitne? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. And 2 times 3. Then, write here 200 factors 2 into 2. Into 2, 3 times 2 and 2 times 5. Okay,
तो फर्स्ट वी विल राइट हियर कॉमन स्ट्रक्चर्स, बोथ ऑफ नंबर्स टू, अगेन टू, अगेन टू, ठीक है. तो यू विल राइट हियर थ्री टाइम्स टू. ओके, नेक्स्ट इज रिमेनिंग नंबर. ओके, तो रिमेनिंग इज अ टू, टू इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव. तो ये सारे आपको फैक्टर्स इसी तरीके से आपको लिखने हैं, ठीक है. तो अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इन सभी को फैक्टर्स को, टू टू जा फोर, फोर टू जा एट, एट टू जा सिक्सटीन, सिक्सटीन को थ्री से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी एट, फोर्टी एट को आप थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में आप करवा सकते हैं, 48 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 144 को अगेन 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके. 5 4 20 का 0 कैरी ऑफ 2, 5 4 20 प्लस 2 22 का 2, 5 5 प्लस 2 7, अगेन 720 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 0, 5 2 10 का 2 0, carry of 1, 535, 136. तो 3600 is the LCM. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कॉमन फैक्टर्स के बाद आप जो रिमेनिंग फैक्टर्स होंगे उनको भी इसके अंदर इंक्लूड करेंगे. इज दैट क्लियर? कैसे निकलेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द कॉमन फैक्टर्स. ओके, 2, 2, 2. नेक्स्ट रिमेनिंग फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3, देन 5 इंटू 5. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई, 60 72 and 320. नेक्स्ट इज ई, 60 72 and 320. ओके, 60 is a even number, so we will divide by 2, 2, 3, 6, 0. Again even number, we will divide by 2. 30 में 2 का divide करेंगे तो we will get the 15. Again, 2 का नहीं आएगा, 15 is a odd number, so we will divide by 3. 3, 5 is a 15. Again, 5 is a 5. Okay? Next is 72. 72 is a even number, so we will divide by 2. 2, 3 is a 6, 2, 6 is a 12. Again 2, 2 and the 2, 2 is a 16. Again 2, 2 9 is 18, 3 3 is 9, 3 1 is 3. Okay. Next is 320. 320 is an even number. So 2 1 is 2, 1 2 6 is 12, 0. 2 8 is 16, 0. 2 4 is 8, 0. 2 2 is 4, 0. 2 10 is 20. 2 5 is 10. And 5 is a 5. Okay, so we will write here 6 factors of 60, 2 into 2 into 3 into 5. Next is 72 factors, 2 into 2 into 2 into 3 into 3. And last is 320 factors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 times 2, 1. 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5. Okay, so first of all we will write the common factors. So first, सबसे पहले 2 common आ रहे हैं तीनों में, again 2. अब आप देखोगे इसके बाद 2 common आ रहे हैं, तो ये दोनों 2 common आ रहे हैं, ठीक है. उसके बाद ये 3, दोनों 3 common आ रहे हैं. उसके बाद दोनों में 5 common आ रहे हैं, ठीक है. इसके अलावा कोई भी common नहीं है. तो पहले हम कॉमन लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5. ये तो हमने कॉमन फैक्टर्स लिखे हैं. अब रिमेनिंग फैक्टर्स लिखेंगे, 3 इंटू 3 टाइम्स 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है. तो अब आप इनको मल्टीप्लाई कराओगे, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 थ्री जा 54, 54 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओके. 54 को हमने 5 से किया, 5 4 20 का 0, 2 5 5 25, 27. अगेन हम 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 0 का 0,
321 का 1 2 3 4 6 एंड 10 2 8 ओके 810 अब 810 यहां तक आ गया 2 2 जा 4 4 2 जाए 810 को हम 810 को आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 0 जा 0 8 1 जा 8 8 8 जा 64 तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया 6483 दैट हियर थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए बड़ा हो जाएगा लेकिन आपको ध्यान में रखना है ठीक है क्लियर है ये आपको इसी तरीके से करना है क्लियर है सबको ओके सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन इज जी ओके 30 40 एंड 60 इन तीनों के आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू सॉल्व करना है ओके नेक्स्ट इज जी 30 40 and 60 okay so first of all we will divide by 30 30 is a even number so 15 aa gaya 3 5 are 15 5 1 are 5 okay next is 40 40 is a even number we will divide by 2 20 22 are 40 okay 2 10 are 20 2 5 are 10 and 5 1 are 5 okay next is 60 60 is a even number so 32 is a 60 30 is a remainder mein aa gaya next 30 mein 2 ko divide karenge to 15 3 5 ka 15 and 5 is a 5 okay so we will write here factors of 30 2 into 3 into 5 okay next is 40 factors 2 into 2 into 2 into 5 and next is 60 factors 2 into 2 into 3 into 5 so first we will write the common factor ye teenon mein 2 common aa raha hai to humne kya likh diya 2 next is yahan pe 2 mein 2 common aa raha hai so we will write again 2 next is 3 common hai kyunki do number mein common aa rahe 3 okay next is 5 teenon mein common aa raha hai so we will write here 5 and last is remaining is 2 is a lone number so hum idhar 2 likh denge 2 2 ja 4 4 3 ja 12 12 5 ja 60 60 ko 2 se multiply karenge to 120 lcm is 120 okay to lcm mein hum sake ko common factors le lete hain lcm mein hum common to lenge hi lenge iske alawa jo aapke remaining numbers bachenge रिमेनिंग फैक्टर्स बचेंगे उसको भी आप कॉमन में लेंगे लास्ट इज 35 147 एंड 236 ये डिवीजन मेथड के थ्रू हम लोग कर रहे हैं ठीक है तो आपको ध्यान में रखना है 35 147 147 एंड 231 तो डिवीजन मेथड से ही करेंगे 35 आपको पता है 35 इज अ ऑड नंबर तो डायरेक्टली वी विल डिवाइड बाय 5 5 7 इज 35 एंड 7 इज 7 अगेन 147 तो 147 जो है वो 3 से डिविजिबल है तो आप कर सकते हो 3 4 इज 12 2 रिमेनिंग बचे 27 3 9 इज 24 7 7 इज 49 7 इज 7 अगेन 231 आप सम ऑफ ऑल डिजिट करके देखेंगे यहाँ पे 3 का डिविजिबिलिटी रूल लग रहा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिवाइड बाय 3 3 सम का 21 2 रिमेनिंग 3 सम का 21 7 1 का 7 7 1 का 7 एंड 11 1 का 11 राइट हियर फैक्टर्स 5 इनटू 7 ऑफ 35 100 फैक्टर्स ऑफ 147 3 इनटू 7 इनटू 7 and 231 factors 3 into 7 into 11 okay so first of all we will write the common factor 3 into 7 7 7 okay so into 7
again 7 into 11 and into 5. Okay, तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई कराना है. 37 का 21, 21 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147. 147 को पहले 5 से कर दीजिए क्योंकि ये छोटा नंबर है. 5 से 35 का 5 कैरी ऑन 3, 5 को 20 प्लस 20 दिया 3, 5 हो गया 5 और 7. तो 735 को फिर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे. 11 5 का 55 का 5 कैरी ऑन 5, 11 3 का 33 प्लस 5 38 का 8 कैरी ऑफ 3, 11 7 का 77 प्लस 3 तो क्या हो जाएगा 80. तो एलसीएम क्या आएगा हमारा 8085. ठीक है, ठीक है. आपको मल्टीप्लिकेशन जो है वो रफ वर्क में आपको सॉल्व करके देखा है ताकि आपको पता चल जाए कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है. इज दैट क्लियर? क्लियर हो गया सबको? कॉमन फैक्टर, बार बार मैं इसी चीज के ऊपर फोकस कर रही हूँ एलसीएम में कि कॉमन फैक्टर के साथ साथ जो रिमेनिंग फैक्टर होंगे उनको भी आप करेंगे मल्टीप्लाई करवाएंगे. ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे आप. क्वेश्चन नंबर 2 इज फाइंड द एलसीएम ऑफ नंबर गिवन बिलो यूजिंग द कॉमन डिविजन मेथड. कॉमन डिविजन मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी आपको नंबर दिया हुआ है उस नंबर में कंप्लीटली आपको तीनों नंबर का एक से डिवाइड करना है. प्राइम फैक्टराइजेशन में तो हमने अलग अलग डिवाइड किया था बट कॉमन डिविजन मेथड में हम एक साथ डिवाइड करेंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज ए 63 एंड 105. ओके, तो आप इसको एक साथ ही इसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, इसमें अलग अलग डिवाइड नहीं करेगा. तो 63 एंड 105, हमने इसके अंदर कॉमन डिवीजन में क्या पढ़ा था कि अगर दोनों नंबर में सेम टेबल का डिवाइड नहीं जाता है तो हम उस नंबर को एज इट इज उतार लेंगे. जैसे यहाँ पे देखो अभी ये दोनों ही ऑड नंबर है तो आप चेक करो कि क्या 3 का डिवाइड जाएगा 6 प्लस 3 9. मतलब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ ऑल डिजिट 6 प्लस 3 9. इसका सम 9 आ रहा है फिर भी 6 में 3 का जाएगा. 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 0 6 इट मींस इसमें भी 3 का डिवाइड जाएगा. तो वी विल डिवाइड बाय 3. 3 टू द 6 3 1 3 3 3 जा 9 1 3 5 का 15. अब 21 और 35 आप देखोगे कि एक में तो 3 का डिवाइड जा रहा है एक में नहीं जा रहा है तो आप तब भी 3 का डिवाइड दे सकते हो 3 7 21. बट 35 में अगर 3 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो इसको हम एज इट इज ही उतार देंगे. ओके, एंड नेक्स्ट डिवाइड बाय 7 7 7, 7 5 35, एंड अगेन 5 1 एज इट इज आ जाएगा और 5 5. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे कि आप लोगों के पास जो फैक्टर्स आए हैं जितने भी डिविजर दिया है देखो 3 × 3 × 7 × 5 इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे. 3 3 9 9 7 63 63 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5 3 15 का 1 5 कैरी ऑफ 1 5 6 30 + 1 31 350 इज योर आंसर. ठीक है, कॉमन डिवीजन मेथड में तो जितने भी आपको नंबर दिए गए होंगे यू विल डिवाइड बाय सेम नंबर. ओके, अगर दो किसी भी नंबर में यदि सेम टेबल का डिवाइड नहीं जा रहा है तो हम उस नंबर को एज इट इज ही उतार लेते हैं. नेक्स्ट इज सी. ओके, सी इज 16 40 एंड 56. 16 40 एंड 56 ये तीनों नंबर आपको दिए हैं और आप तीनों ही नंबर को आप चेक करोगे तो ये 2 से डिविजिबल है, इवन नंबर है. तो फर्स्ट यू विल डिवाइड बाय 2, 2 8 जस्ट 16, 2 में 20 40 का डिवाइड करेंगे तो 20, 2 टू द 4 और 1 2 8 जस्ट 16. अब 8 20 28 अगेन इवन नंबर तो एक साथ जाएगा 2 4 जा 8, 2 10 जा 20 एंड 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 10 14 अगेन इवन नंबर, 2 7 14 2 5 10 2 7 14. अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे तीनों ही ऑड नंबर है बट सेम टेबल से नहीं जाएगा.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डिवाइड बाय 7 7 × 7 5 एज इट इज यू कर लेंगे 7 × 7 एंड लास्ट ये 5 का डिवाइड कर लेंगे 5 × 1 एज इट इज 5 × 5 और अब इसके बाद जितने भी आपके डिविजर साइन है फैक्टर साइन है इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 2 × 2 × 7 × 5 2 × 4 4 × 8 8 × 56 56 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 6 = 30 3 5 × 25 + 3 = 28 218 That clear? It's a very easy. ठीक है, तो हमारे पास जो फैक्टर्स आते हैं वो बहुत ज्यादा आते हैं बट कॉमन डिविजन में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ जो फैक्टर्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं डिक्रीज हो जाते हैं. ठीक है, तो हमारे लिए मल्टीप्लाई करना और भी इजी हो जाता है. ठीक है, ओके. एंड लास्ट वन इज ईच. एक और करवा रही हूँ. ई 125 फाइनली एंड 275. ये तीन नंबर दिए गए हैं. वापस हम एक से डिवाइड करेंगे इनको 125 75 एंड 275. ओके, तो तीनों ही ऑड नंबर है. ठीक है, तो आप ये देखोगे कि अगर यदि इन तीनों में अलग अलग का डिवाइड जाएगा तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 5 का दे रहे हैं. 5 × 10 2 बचे इधर 5 × 5 = 25 5 × 5 5 × 5 = 25 5 × 5 = 25 2 बचे तो हम 5 अगेन 5 फिर अगर 5 का जाएगा 5 × 5 = 25 5 × 3 = 15 एंड 5 × 5 = 5 तीनों ही और नंबर आ गए और तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट टेबल से जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर 3 5 एज इट इज आप लिख देंगे 3 बन जाते हैं एंड 11 एज इट इज अगेन 5 × 5 ये 1 एज इट इज और 11 एज इट इज मतलब अलग अलग टेबल्स का डिवाइड जाएगा. ठीक है, और इसके बाद हम जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक कि 1 नहीं आ जाता है. ठीक है, इसके बाद आप इन सारे नंबर्स को जो भी फैक्टर्स दिए गए हैं इसको आप मल्टीप्लाई करवाओगे. ओके, तो नंबर इज 5 × 5 × 5 × 3 × 11 5 × 5 = 25 25 × 5 = 125 125 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 = 15 × 5 × 2 = 6 × 7 × 3 × 3 375 को 11 से करेंगे तो 11 × 5 = 55 कैरी ऑफ 5 11 × 7 = 77 प्लस 5. ठीक है, 77 में आप प्लस 5 करेंगे तो 82 और 2 कैरी ऑफ 8 11 × 3 = 33 प्लस 8 = 41. ओके, तो आपके पास जो आंसर आया 4125. ठीक है, तो आपकी 3.5 कंप्लीट हो चुकी है. जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको खुद को ही सॉल्व करना है. दैट क्लियर? अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क. ओके, आएगा देखो.